हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएससी में एक नई सर्विस लाइव हो चुकी है, जिसके जरिए आप अपने सीएससी सेंटर में बैठे बैठे ही मीटर अप्लाई कर सकते हैं और इस सर्विस से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि आपको इस सर्विस में कैसे काम करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल में और वहाँ पर जाकर हम लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने पहले ही डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन कर रखा है। फिर हम सर्विस में जाकर सर्च बार में सर्च करेंगे न्यू मीटर, तो हमें एक टैब दिखाई देगी न्यू मीटर कनेक्शन की, तो हम क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे तो सीएससी में रीडायरेक्ट होकर एक नई साइट पर ले जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि सीएससी में रीडायरेक्ट होकर इस साइट पर ले आया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि ये सर्विस अभी सिर्फ झारखंड के बीएलडीओ के लिए ही लाइव हुई है। आप अगर अदर स्टेट के बीएलडी हैं तो अभी आपके लिए ये सर्विस नहीं लाइव हुई है, पर बहुत जल्द ये सर्विस आप सभी के लिए लाइव हो जाएगी। इसमें लॉगिन होने के लिए हमें डिजिटल सेवा कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है, तो हम इसमें ऑटो लॉगिन हो जाएंगे और हमें एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले तो जहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस दिखाई दे रहा होगा, आपको ये पढ़ लेना है कि इसमें क्या क्या हमें बताया जा रहा है। उसके बाद हमें नीचे कस्टमर सपोर्ट के नंबर दिखाई दे रहे हैं, जिस जगह आपको कोई सपोर्ट चाहिए कस्टमर केयर से तो आप इन पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, कोई भी सपोर्ट चाहिए इन नंबरों को कॉल करके आप ले सकते हैं। आप इस डैशबोर्ड की लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि होम, न्यू कनेक्शन, मॉडिफिकेशन, पे डिमांड, अनएलिजिबल, ट्रैक स्टेटस, प्रोफाइल, कंप्लेनर, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, लोगआउट। आप में अगर कोई न्यू कनेक्शन अप्लाई करना है तो आपको न्यू कनेक्शन क्लिक करना, अगर आपको एप्लीकेशन में कोई चेंज करना है तो आप इसमें मॉडिफिकेशन पर क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपको बिल पे करना है तो एनर्जी बिल पर क्लिक कर आप बिल पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई मीटर अप्लाई किया है और उसकी स्टेटस देखने है कि क्या स्टेटस है, तो आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आपको जहाँ पर से अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी, अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो जहाँ पर कंप्लेंट कर आप कंप्लेंट कर सकते हैं और जहाँ से आप इस पोर्टल से लॉग आउट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बीएलई भाई तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाएँ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।